तो आज हम बात करने वाले हैं कैनरा का एक चार्जेस जो कि सबको अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो रहे हैं। चार्जेस क्या है, 436 रुपये, 456 रुपये, आखिर ये क्यों कट रहे हैं अगर आपके पास भी कैनरा का बैंक अकाउंट है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप हमेशा आपका अकाउंट से 436 या 456 हमेशा डेबिट होते चले जाएंगे। इसको कैसे रोकना है, ये क्यों कट रहा, वीडियो में डिटेल्स में कवर किया हूँ। इस वीडियो के पार्ट को मिस मत करना, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बात करते हैं प्रोसेस की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको अपने आप मिनी स्टेटमेंट में जा रहे होंगे, कैनरा का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मिलेगा, इसमें बताया जा रहा है PMSBY और एक मिल रहा है PMJJBY। देखिए यहाँ पे उसी के नाम से यहाँ पे 20 रुपये और 436 रुपये डेबिट हुए हैं। ये क्या है PMSSY, PMBSJY, ये सब क्या है, चलिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। ठीक है, मैं ओपन कर लिया PDF फाइल को, मैं यहाँ पे पूरा हिस्ट्री को डाउनलोड किया था आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो चार्जेस कटा है ना 20/6/2030 और 20/6/2030, मतलब मेरा यहाँ पे 20 तारीख तक कटा है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि जून और मई में ही कटना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है आपको अभी तक नहीं भी कटा हो लेकिन कटेगा जरूर, याद रखिएगा। ये क्या हो रहा है ना, अगर आपने कैनरा में ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक अकाउंट जो ओपन करते हो ना तो वहाँ पे कैनरा का जो स्टाफ लोग हैं अकाउंट ओपन करने के बाद वहाँ पे अकाउंट जो ओपन हो जाता है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री एक सुकन्या योजना है जो कि ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे लोग उसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ये 2 साल का रहता है, ये जैसे ही ऐड होगा ना तो आपके हर महीने सॉरी हर ईयर आपके अकाउंट से 436 रुपये डेबिट होते चले जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि आखिर ये डेबिट क्यों हो रहा है, इसके रोकने का कोई सोल्यूशन है या नहीं खुद से ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स अभी तक कैनरा के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर ऑफिशियली कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप उसको इनेबल डिसेबल कर सको मैनुअली, लेकिन आपको ब्रांच जाना होगा, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद एक अगर वहाँ पे अगर आपके ब्रांच में आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ना मिले तो आप एप्लीकेशन, लोग बोलेंगे एप्लीकेशन लिखना होगा, तो एप्लीकेशन आप लिख के वहाँ पे सबमिट करना, उसके बाद वो लोग उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, तब आपका जो 436 या 456 का जो चार्जेस है वो कटना बंद हो जाएगा और कोई इसके सिवा ऑप्शंस नहीं है। ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, तभी तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा मेरा हिस्ट्री यहाँ पे दिखा रहा है 436 और 20 रुपये, देखिए आप यहाँ पे सामने देख सकते हो खुद। ठीक है, और यहाँ पे PMJJBY और PMSBY यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर आप PMSBY आप गूगल पर सर्च करो तो यहाँ पूरा फुल फॉर्म आ जाएगा, किस चीज़ का चार्जेस है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सरकारी यानी गवर्नमेंट एक योजना है जो कि बहुत लोग इसको यूज करते हैं बट हम लोगों के लिए यूज का नहीं है। अगर आपको यूज करना है तो आप इसको पे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा बेनिफिट्स वाला योजना नहीं है, इसको क्लोज करने में ही अपने को बेनिफिट्स है। ठीक है, तो क्लोज करने का प्रोसीजर जो है आपको ब्रांच को वेट करना होगा, ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।